कार्लोस, तो मैं हूँ आपका दोस्त एदन बोला और आप देख रहे हैं भूला में टेक। आज की इस वीडियो जो बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगने वाली है आपको, क्योंकि आज मैं आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि प्रोजेक्ट्स कैसे कैसे आप बना सकते हो। जैसे कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। अगर मैं कुछ प्रोजेक्ट्स दे रहा हूँ तो शायद आपको कुछ हेल्प हो जाए उससे, लेकिन एट लास्ट मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अपनी इनोवेशन अपने प्रोजेक्ट्स में डालो, जैसे कि आपको अपने आइडिया को आप आगे लेके जा सको या फिर उस आइडिया पर काम कर सको, जिससे कि आप फ्यूचर में आगे उस चीज़ को दिखा सको कि आपने ये खुद किया। कि अगर आप कन्वेंशनल चीज़ उठाते हो तो उसका इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होता, अगर आप किसी इनोवेटिव चीज़ को उठाते हो तो उसका ज़्यादा इंपैक्ट होता है। बाकी अभी आपको दिखाता हूँ काफ़ी अच्छे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे कॉलेज में मिले हैं, उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ। हम जा रहे हैं अपनी प्रोजेक्ट लैब के अंदर। ये पूरे के पूरे सारे प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, किसी ने मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया था, इलेक्ट्रोलस रेफ्रिजरेटर सिस्टम कुछ है, मेरे को इस पर ज़्यादा पता नहीं क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा काम किया नहीं है। यहाँ पे कुछ साइकिल्स खड़ी है जिसमें इन्होंने कुछ कुछ काम किया, जैसे कि इन्होंने कुछ शेजी में इन्होंने कुछ फ़र्क किया है। बाकी अगर आप यहाँ देखोगे तो इन्होंने गियर सिस्टम लगाया, गियर मैकेनिज्म लगा के पहले इसको ज़्यादा लोअर आरपीएम पे ज़्यादा पावर दिया, और उसके बाद यहाँ पर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक वेट लगा दिया है। बाकी अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने चक्की लगा दी है, एक चक्की जो साइकिल से चलेगी, वहाँ पैडल मारो यहाँ पे चक्की घूमेगी। इतना ज़्यादा इनोवेटिव नहीं है, ये सबने 3 इडियट में देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी ठीक है अगर किसी ने बनाया तो। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये एक और साइकिल है, इन्होंने कुछ स्टार्टर मोटर से लगा के इसको यहाँ पे चेन ड्राइव दिया है। तो चेन ड्राइव देने के बाद और यहाँ पे इन्होंने बनाया बैटरी बॉक्स, इस बैटरी बॉक्स में बैटरी दी और उसके बाद इस मोटर से साइकिल को चला दिया, तो एक तरह से ई बाइक बन गई। बहुत सिंपल प्रोजेक्ट्स होते हैं ये। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये किसी ने ये बनाया है कि ये ऐसा प्लेन है जो मतलब उड़ता है, इन्होंने मतलब बनाने की कोशिश करी, अब ये नहीं पता कि कितना उड़ता हो क्योंकि यहाँ पे जो विंग्स लगे हुए थे वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ये सोलर कार बनाने की कोशिश करी, यहाँ पर सोलर पैनल है, सोलर कार है, इसके अंदर बैटरी होगी इसकी, और ये सोलर पैनल ऊपर लगाया। बाकी इतना अच्छा ये भी नहीं है, ये वर्टिकल विंडमिल बनाया है इन्होंने, ये आप देख सकते हो, ये पूरा एरोडायनेमिक शेप में दिया है, इसका एयरफॉइल शेप दिया, और जैसे ही ये मतलब हवा चलेगी तो ये धीरे धीरे घूम के एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और अगर मैं आपको प्रोजेक्ट्स दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला प्रोजेक्ट, ये पूरा एक सोलर कलेक्टर है, और यहाँ पे ये पूरी फाइबर की इन्होंने सोलर की वो बनाई है डिश, और कनकेव मिरर है, तो अगर आपको शायद दिख रहा हो ऐसे, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्क है और इसके अंदर मिरर लगा हुआ है, और यहाँ पे हीट कलेक्ट होती है इसमें, ठीक है। बाकी अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे कुछ देख सकते हो कि यहाँ पे आप जैसे जैसे इसको घुमाओगे तो साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एनर्जी जनरेट हो रही है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, 2 गियर इन्होंने 3D प्रिंट कराए और उसके बाद यहाँ पर ट्रांसमिट करके यहाँ पे एक वो लगा दिया डायनमो, और डायनमो से एनर्जी जनरेट करके इन्होंने इस पंप को चलाया, और पंप को चलाने के बाद ये फिल्टर कर रहा है। तो इसका मतलब इन द सेंस ये बोलना चाह रहे हैं कि जितना साइकिल चलाओगे उतना ज़्यादा पानी फिल्टर होगा, साइकिल चलाने से पानी फिल्टर करना चाह रहे हैं। बाकी अगर मैं ये दिखाऊं तो इन्होंने रेफ्रिजरेशन पे किया, रेफ्रिजरेशन पे इन्होंने इसकी COP बढ़ाई है भाई, इन्होंने यहाँ पे कुछ थ्रेडेड मटेरियल यूज़ किया है, जैसे इसको हम बहुत हिंदी भाषा में अगर बोले तो नाड़ा, तो नाड़े इन्होंने यूज़ किया, और यहाँ पे इसकी वजह से इसको अगर नाड़े को अगर वेट कर देते हैं, ये जो क्लोथ इन्होंने लगाया है इसके ऊपर अगर इसको वेट कर देते हैं तो इसका जो हीट रिजेक्शन है वो जल्दी होता है। इतना सिंपल सा इनका प्रोसेस है। बाकी यहाँ पे ये हाइड्रोलिक लिफ्ट दिखाने की कोशिश करी है, कुछ ज़्यादा खास इनोवेटिव मेरे को लगा नहीं इसमें। अगर मैं आपको और चीज़ दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्टिकल विंडमिल है, यहाँ से मतलब ये कम एरिया में लग जाती है और मतलब अच्छा खासा पावर जनरेशन देती है। आप देखो यहाँ पे भी इन्होंने ये जब घूमेगा तो ये गियर घूमेगा, ये गियर 3D प्रिंट करा लेते क्योंकि मैकेनिकल गियर बनाना या मतलब लोहे का गियर बनाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसलिए इन्होंने 3D प्रिंट करा लिया, और उसके बाद यहाँ से और इस डायनमो को घुमा के एनर्जी जनरेट कर दी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था वो। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने कुछ मॉइस्चर एटमोसफेयरिक मॉइस्चर को पूरा का पूरा कन्वर्ट करके उसको कंडेंस करके पानी जनरेट किया है। ये काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऐसे आजकल। तो अभी तक जो आपने देखी ये सारे फैब्रिकेशन मतलब प्रोजेक्ट्स थे जिसमें कुछ ना कुछ फैब्रिकेशन करते हैं, उसमें कुछ बनाते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ फैब्रिकेशन जैसे प्रोजेक्ट्स पे ही काम करें। अगर आप चीज़ फैब्रिकेट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, वो देखने में भी अच्छा लगता है, और आप उसको ऑथेंटिकली चेक भी कर पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आप रिसर्च वर्क करते हैं, जिसमें आप बस आइडिया को देते हैं और उसके ऊपर अपना जितना फैब्रिकेशन के बिना जितना आप वो कर पाएं एनालिसिस उतना करके कर सकते हैं। तो जो रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आप बेसिकली, जैसे हमने कुछ प्रोजेक्ट किया था कि हमने कुछ डिज़ाइन किया उस पर और उसके बाद सिमुलेशन वगैरह करी उसकी और एनालिसिस वगैरह करके वो दिखाया, रिपोर्ट बना बना के दिखा दी वो। तो उसमें क्या होता है कि मतलब आपको बस उसको जो आपने प्रपोज किया वो आइडिया उस चीज़ को सॉफ्टवेयर पे आपको बस बना के दिखाना होता है कि ये सब कर रहा है, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकली करके दिखा सके, उसको एक्सपेरिमेंटली करके दिखा सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है तो इस वजह से नहीं हो पाता है।
अगर टाइम है तो करके देख सकते हो। बाकी अगर मैं दिखाऊँ तो हमने जो बनाया था उसका मैंने 3D प्रिंट निकलवाया, जिससे कि मैं डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से कर पाऊँ। ये जो चीज़ है वो मैंने 3D प्रिंट कराई अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो मतलब इसमें हमने पूरा सिमुलेशन एनालिसिस वगैरह किया था, तो इस पर 3D प्रिंट करा लिया। और बाकी आपने देखा अंदर कितने सारे पार्ट्स हैं जो आप फैब्रिकेट कराने के लिए 3D प्रिंट करा लेते हो। जैसे कि आप एक मेटलिक पार्ट को लेकर जाओगे या फिर पूरे एक लोहे को कटवाओ, गियर बनवाओ, तो बहुत महंगा पड़ता है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है उसको करवाने। तो आप अगर छोटे मोटे प्रोटोटाइप बना रहे हो तो उसके लिए आप वो 3D प्रिंट करवा सकते हो। और 3D प्रिंट जिससे मैंने कराया, अगर मैं बोलूँ तो मेरे को बहुत अच्छी सर्विसेज लगी, क्योंकि मैंने सुबह उनको बोला और शाम तक मेरे को 3D प्रिंट मिल गया था और रेट भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल थे। तो मैं अगर आप चाहो तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर और जीमेल उनका जो वो है वो आपको दे दूँगा। आप वैसे आपको यहाँ स्क्रीन पर भी दिख जाएगा उनका नंबर और उनका जीमेल अकाउंट, आप उनको उनको मेल करो, वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट भी करेंगे और आपको रीजनेबल प्राइस भी मिलेगा फॉर श्योर। आप एक बार ट्राई कर सकते हो। और बाकी अगर आप बताओगे उन्हें भोला मट्टे पे, शायद आपको डिस्काउंट भी मिल जाए कुछ। आप उनको बता देना कि आप मतलब मैंने भोला मट्टे की वीडियो देखी थी, अब आपके पास लिंक मिला है, तो उससे शायद आपको कुछ डिस्काउंट दे देगी, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला था कि शायद वो कुछ आपको डिस्काउंट दे सकते हैं। बाकी अगर आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फैब्रिकेटेड प्रोजेक्ट बनाना चाहो या फिर रिसर्च ओरिएंटेड बनाना चाहो। दोनों प्रोजेक्ट में अगर आप अपनी इनोवेशन डालोगे तो वो प्रोजेक्ट बेस्ट होगा। बेशक आप कोई सा भी प्रोजेक्ट बनाओ, फैब्रिकेशन नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर उसमें कुछ इनोवेटिव आइडिया जो आप उसको प्रूव करके दिखा सकते हो तो बेस्ट होगा। तो आप बाकी आपके ऊपर है जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन उसका डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए अगर मैं बोलूँगा कि कुछ प्रोटोटाइप वगैरह बना के दिखाओ तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप बीटेक या इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर पॉलिटेक्निक भी कर रहे हो तो आपका पता चल गया कि इस सेमेस्टर में तो प्रोजेक्ट देना होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट करो, क्योंकि यार एंड मोमेंट पर ना सब लोग हड़बड़ी कर रहे होते हैं और कुछ अच्छा नहीं बनता। हम लोगों ने जब बना रहे थे ना अपना प्रोजेक्ट, तो हमारा फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट दिखाना होता है एक सेवन सेमेस्टर में। तो सेवन सेमेस्टर वाला प्रोजेक्ट हम सिक्स सेमेस्टर में पहले ही कर चुके थे और एक सेमेस्टर वाला प्रोजेक्ट सेवन सेमेस्टर में पहले ही कर चुके थे, तो एक सेमेस्टर पहले चल रहे थे हम लोग। लेकिन मैं आपको ये टिप दूंगा कि अगर आप कर रहे हो और थोड़ा सा भी लेट हो तो अभी के अभी शुरू कर दो प्रोजेक्ट, क्योंकि यार अपने को क्या प्रॉब्लम है, प्रोजेक्ट कितने स्टार्ट करना है, आज उनको कल करना है, तो इसलिए कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप ज़्यादा उसमें इंप्रूवमेंट कर पाओगे, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स ले पाओगे। और ये प्रोजेक्ट आपके लिए सिर्फ नंबर्स नहीं देगा, आपको हमेशा आगे जाके जब भी आप कहीं जाओगे तो आपके ये प्रोजेक्ट जरूर जाएगा आपके साथ। कभी आप जॉब के लिए जाओगे तो उन्हें बताओगे कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया था, तो उससे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है अगर आपने प्रोजेक्ट अच्छा किया हो। तो बाकी गुड लक अगर आपका जो भी है प्रोजेक्ट बना रहे हो तो, और कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप चाहो तो मेरे को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कुछ भी हेल्प ले सकते हो। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोस को देखने के लिए। मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और 3D प्रिंट के लिए नीचे दिए हुए उस पर जाके उसको कॉन्टैक्ट कर लेना।